अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम और वेलकम बैक इन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की ट्रिप में हम आपको लेके जा रहे हैं शुके के बीच। अब देख सकते हैं कितना प्यारा स्टैचू है। सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे इसका फ्लोर लगा था, ग्राउंड, क्योंकि कलरफुल बहुत था और अट्रैक्टिव भी था। अब आप देख सकते हैं स्टैचू, बेसिकली ये टू डॉल्फिन्स हैं जो कि एक टोर्नेडो टाइप से बना के ऊपर आ रही हैं पानी से। कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों। देखिए बच्चे आ रहे हैं प्ले ग्राउंड से। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलरफुल था, अरे बहुत बड़ा भी था। पर देखिए स्टैचू करीब से, और ये देखिए नमाज पढ़ने की जगह भी है इधर। और गाइस एक्चुअली इधर ना फूड प्लेसेस भी थे, मतलब मिनी मिनी शॉप्स टाइप सी थी, लेकिन सैडली क्लोज थी सारी तो हम जा नहीं पाए। और आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा सिटिंग एरिया है, छोटा सा, मतलब इतना छोटा भी नहीं, इसमें लोग बैठ सकते हैं और ये बहुत कम्फर्टेबल भी था और ये फोटोज लेने के लिए तो बेस्ट प्लेस है। और गाइस अब आप देख सकते हैं ये हमारा बीच शुरू होता है इधर से। इधर हम जा नहीं सकते थे क्योंकि ये इधर मना था जाना इस वजह से, पर हम आपको अंदर जाके भी ज़रूर दिखाते हैं। रेम कितनी प्यारी वेव्स है माशाल्लाह, क्योंकि इधर लिखा भी हुआ है अगर जो भी जाएंगे ना उनको पनिशमेंट मिलेगी, इस वजह से हम नहीं गए। ये देखें तो लिखा था अनसुटेबल डेंजरस स्विमिंग एरिया, इस वजह से इधर कोई भी नहीं था। लेकिन बच्चे खेल के आ रहे हैं प्लेग्राउंड से। और गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे, मतलब बहुत कम ट्रैश था अगर हम कंपेयर करें टू द अदर बीचेस, क्योंकि इधर हल्का सा है लेकिन इतना नहीं, मतलब जैसे कुछ लोग आके आराम से खा के फेंक जाते हैं और उससे हमारी जो सोसाइटी है, मतलब जो हमारा एरिया है वो पोल्यूशन से भर जाता है। लेकिन सबसे ये बहुत ज़्यादा नीट था, क्लीन भी था, इस वजह से यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। प्राइस इधर सारे खुश भी थे और दुखी भी थे क्योंकि हम जाने वाले थे आभा से। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।